हेलो। आज सबसे पहले मेरा विनती होगा कि आज हम लोग का नहीं, आज अगर जयकारा और नारा लगे तो शहीद मणिन्द्र नाथ मंडल अमर रहे, ये नारा लगना चाहिए। तो आज शहीद मणिन्द्र नाथ मंडल की 29वीं पुण्यतिथि शहादत दिवस के अवसर पर दादा को कमर में चोट लग रहा है, इसीलिए हम चाहेंगे आग्रह करेंगे दादा से कि बैठ कर भाषण का आराम से आप लोग सुने और दादा को भी आराम मिले। कहीं ना कहीं दादा चोटिल है तो आप लोग को भी इस बात को समझना होगा। हेलो। एक बार तो हो जाए के लिए। अरे भाई शहीद मणिन्द्र नाथ मंडल को नमन करते हुए, उनको वंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं रखने का प्रयास करूंगा। आज यदि 23 साल के झारखंड की बात करें तो 23 सालों के झारखंड में, या फिर उससे पहले झारखंड आंदोलन की बात करें, क्योंकि आज 2 सालों से आंदोलन भी चल रहा है और वह आंदोलन कहीं ना कहीं शहीद मणिन्द्र नाथ मंडल रहे, शहीद सत्यनाथ महतो रहे, विनोद बाबू रहे, कॉमरेड एके रॉय रहे, उन्हीं के विचारधाराओं को अनुसरण करते हुए, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज 2 सालों से झारखंड में आंदोलन हो रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन को करने का साहस यहाँ के राजनेता नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले हम टाटा गए थे, वहाँ मीडिया वालों ने कहा कि एमपी एमएलए से अगर हम सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि टाटा पे अगर नहीं पूछिएगा तो भी आप पे इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप एक ऐसा शख्स हैं जो खुले मंचों पे कहते हैं कि टाटा का डिमना के झील में 13,000 करोड़ का रुपया बाकी है। तो कहीं ना कहीं आज जिस आंदोलन की हम लोग आगाज किए हैं, आज जिस आंदोलन को हम लोग जी रहे हैं, झारखंड के जनमानस तक एक विचारधारा के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज इस भूमंडल के उस महानायक मणिन्द्र नाथ मंडल का भी योगदान है। उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं प्रेरणा स्वरूप आज हमारे भीतर विराजमान है, तभी आज जाकर हम लोग इतने बड़े आंदोलन को एक साधारण सा छात्र होकर मुकाम देने में सफल हो पाए हैं। तो आज झारखंड की यदि बात करें, चूंकि अभी दीदी ने भी कहा और हमारे वक्ता रुपेश दा और मंच संचालन सुशील दा ने भी कहा कि मणिन्द्र नाथ मंडल जिन्होंने एक दिन में 700 से 800 लोगों को नौकरी में अपने दम पर रखवाने का काम किया था, साथ ही साथ उनके बारे में तो विस्तार में नहीं लेकिन हम लोग को जितना पढ़ने और समझने में मिला, वे जब भी हम लोग किसी शहीद की बात करते हैं तो उनका एक चित्र हमारे सामने आता है कि भाई अगर शहीद हुआ होगा तो इंसान तो बहुत दमदार इंसान होगा, बहुत ही तगड़ा इंसान होगा। वास्तविक बात है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है वे तो बहुत दमदार और तगड़ा इंसान थे, लेकिन उनमें सॉफ्ट कॉर्नर भी होता था जो शायद हमसे छूट जाता है। जैसे अगर निर्मल दा की बात करें तो वो शराब बंदी पे बात करते थे, मणिन्द्र नाथ मंडल की बात करें तो उन्होंने भी 23 मार्च 1980 को दहेज उन्मूलन समिति सोनी समाज का गठन किया था और उन्होंने उसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं जो दहेज है वो हमारे झारखंड के समाज हो या झारखंड के जनमानस हो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हानिकारक, एक नुकसानदायक विषय है। तो आज हम लोग बेशक उनको जानते हैं कि उन्होंने माफियाओं से मुकाबला किया था, उनके नाम पर माफिया थरथराते थे, उनके नाम से रात को माफियाओं का नींद नहीं आता था, लेकिन उन लोगों में समाज के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी था। तो आज यदि वास्तव में आज जब भी अगर हम झारखंड की बात करें, इसी सड़क की अगर बात करें तो हम इधर जाएंगे तो शहीद सत्यनाथ महतो मिलेंगे, आज यहाँ मणिन्द्र नाथ मंडल की प्रतिमा भी स्थापित हो गई, और कुछ आगे जाएंगे तो शहीद नेपाल रवानी मिलेंगे। यानी झारखंड के किसी कोने में आप जाएं, किसी सड़क में आप चहलकदमी करें, आपको हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं मिलेंगी। अब एक सवाल बनता है, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं यानी किसी न किसी कालखंड में उन्होंने अपनी जान दिया है,
उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया है। तो मेरा एक सवाल बनता है कि चाहे मणिन्द्रनाथ मंडल जी रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, नेपाल रवानी रहे, रसिक हंसदा रहे, इन्होंने अपने जान का त्याग क्यों किया? इनका भी घर परिवार था, इनकी भी पत्नी थी, इनके भी बच्चे थे, इनका भी समाज था, तो आखिर किस उद्देश्य के साथ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला उद्देश्य आता है, अलग झारखंड राज्य का गठन, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण, जिसका सपना मणिन्द्रनाथ मंडल जी ने देखा था। उनके साथ साथ उनके समय कालखंड में तमाम जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी रहे थे, उन्होंने देखा था। यानी अगर साफ शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए कि मणिन्द्रनाथ मंडल जी ने अपने जान क्यों दिया था, तो सवाल का उत्तर मिलेगा अलग झारखंड के निर्माण के लिए। अलग झारखंड के निर्माण के लिए यही सवाल का उत्तर मिलेगा। जब यही सवाल का उत्तर है कि मणिन्द्रनाथ मंडल का त्याग, उनका जान अलग झारखंड के निर्माण में हुआ है, तो कहां है अलग झारखंड? हम ये सवाल करेंगे, कहां है अलग झारखंड? किसके लिए अलग झारखंड? प्राणों की आहुति देने के बाद अलग झारखंड, किसके लिए अलग झारखंड? आज चूंकि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे ज्यादा संख्या में हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई जो आज पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ते हैं, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं कि झारखंड किनके लिए बना था। झारखंड इसलिए बना था कि आज जो लोग पांचवा में पढ़ते हैं, जो लोग दसवां में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, आने वाले दिन इस राज्य की नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो क्या इनका, ये जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, केवल इनके स्कूल का ड्रेस का रंग बदला है, इनकी तकदीर आज भी धराशायी है? आज ये लोग यहाँ स्टेज में परफॉर्मेंस किए, हमने बधाई दिया, ये लोग दसवीं में, बारहवीं में 80% 90% नंबर लेकर आते हैं, हम लोग बधाई देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि मेरी बहन ने दसवां में 80 नंबर लाया, बारहवां में 95% लाया, लेकिन 5 साल बाद वही बहन, वही भाई उदास हो जाता है, क्योंकि नियोजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास नियुक्तियां नहीं है, हमारे पास पॉलिसियां नहीं है। इसलिए सवाल बनता है कि मणिन्द्रनाथ मंडल ने जो शहादत दिया था अलग राज्य के निर्माण के लिए, अलग राज्य कहां है? कहां है अलग राज्य? इस अलग राज्य का नाम है झारखंड, विधायक के बक्सर का। कहां है अलग राज्य बताइए? इस राज्य का नाम है झारखंड, सांसद है बलिया का। कहां है अलग राज्य हमको बताइए, बताइए हमको, उत्तर दीजिए। इसी राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना है, इसी राज्य के साथ उत्तराखंड बना है, 2014 में तेलंगाना बना है। मैं कुछ दिन पहले तेलंगाना गया था, वहां के एक डॉक्टर, अब डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, लड़का लोग पढ़ा लिखा नहीं है, इन लोगों के पास थॉट्स नहीं है, तो मैं खुद पीएचडी का छात्र हूं, वहां की एक डॉक्टरनी से मैं बैठा था, मैंने पूछा मैडम आप कहां से हैं, बोला हम तो आंध्र प्रदेश से हैं, बोला तेलंगाना में आप जॉब कर रहे हैं, बोला नहीं ये प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए हम जॉब कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर होता तो हमको अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में, हमको कोई अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में। हमने पूछा दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे, बोला भाई तुम ही बताओ ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग क्यों हुआ? आंध्र प्रदेश के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तो अलग राज्य क्यों मिला? अलग राज्य इसीलिए मिला कि तमाम योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले, तमाम नौकरियों का लाभ उस राज्य के लोगों को मिले, ठेकेदारी हो, आउटसोर्सिंग हो, कोई भी काम हो उस क्षेत्र के निवासी को मिले। आप चले जाइए धनबाद, यहाँ से 5 किलोमीटर है, जो भी लोग हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, क्योंकि सवाल बनता है झारखंड कहाँ है, चाहे आप मंडल है, महतो है, संथाल है, तेली है, गोरा है, चाहे जो भी है, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए, धनबाद में वो टेंडर डाल के दिखाइए आप। तो क्या मंचों में भाषणों से या फिर हमारे महापुरुषों की माला चढ़ाने से अलग झारखंड? झारखंड तभी बनेगा जब झारखंडी को जूता सिलाई से लेकर टेंडर भरने का अधिकार होगा। जाइए, अरे उतना तो छोड़िए, मोल झारखंडी है वो ठेला लगाइए, जाइए रेलवे स्टेशन में वो ठेला लगाइए, जो रेलवे में दुकान है आप लगाइए। तो क्यों, ये राज किसके लिए, इतना बलिदान किसके लिए, माओ का सिंदूर उजड़ा किसके लिए, बहनों का राखी उजड़ा किसके लिए? क्या इसी दिन के लिए कि हम लोग साल में 2 बार अपने महापुरुषों की एक दिन जन्मतिथि और एक दिन पुण्यतिथि मनाएंगे?
नहीं, आज मैंने पहले भी कहा है कि हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, किसी भाषा भाषी से नहीं है, सबका अपना अपना राज्य है, सब अपने अपने राज्य का निर्माण करे, सब अपने अपने राज्य का उत्थान करे। झारखंड जिनके लिए बना है वो आज 23 साल में अपनी आवाज बुलंद करेगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा ही, नहीं तो आज 23 साल हुआ है। मैं चूंकि मैं PhD का छात्र, मैं दार्शनिक सोच रखता हूँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मैं 23 साल आज बीता है झारखंड का, 23 साल बाद 2046 होगा। धनबाद के नक्शे को खंगाल लीजिएगा, धनबाद की इमारतों को खंगाल लीजिएगा, 2046 में जो आज परिस्थिति है इसका आधा हो जाएगा झारखंड। यही बगल में भेलाटांड है, शायद शक्ति दा वहीं से है। आज से 15 साल पहले हमारी भाई की बारात आए थे, वहां पुटुस का गाजार था, आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं, एक भी इमारतें झारखंडी की नहीं है, एक भी इमारतें झारखंडी की नहीं है। इसलिए आज मैं कहूंगा, यदि वास्तव में चाहते हैं मणिनाथ मंडल का सपना साकार हो तो जमीन भी उनकी होनी चाहिए जो झारखंडी है। हम मुंबई गए, मुंबई में 6 दिन में 42 सभा किए, वहां भी जितना विस्थापन हुआ वहां हाल फिलहाल 10 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे हमारे बगल में एयरपोर्ट है, हालांकि ये बना नहीं, पता नहीं कब बनेगा। वहां हमने सवाल किया, आपका जो जमीन गया है क्या पॉलिसी है ये? उनसे हम रात को मिलने गए जो मराठी लोग हैं कि यहाँ क्या पॉलिसी है, आप 10 किलोमीटर का अपना जमीन दे दिए एयरपोर्ट बनाने के लिए तो किस आधार पे दिए? उन्होंने कहा देखिए विकास के लिए दिए। हम बोले ठीक है, आपका जमीन गया, बदले में आपको क्या मिला? उन्होंने इशारा में एक इमारत दिखाया जिस प्रकार हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 12 तल्ला 16 तल्ला की बिल्डिंगें हैं, कहा उसमें मेरा एक संतोषजनक कमरा है और मुआवजा है, उसके बाद हम जमीन लिए हैं। आज बताइए यही एक गोराय परिवार आज 30 साल बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उसे देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है तो सिर्फ कागजों में झारखंड, सिर्फ कागजों में झारखंड नहीं। अभी वो तो राजकुमार दा जानेंगे आमझार पंचायत में, आज 30 साल बाद विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो कैसा राज्य का निर्माण हुआ अभी बताइए? वही महाराष्ट्र में जिसका भी जमीन लिया गया हिसाब से उसको बिल्डिंग बना के दिया है, हिसाब से इसको पैकेज दिया गया है। जब झारखंड आते हैं तो लोग अपना बाप के मरने के बाद भी लड़ाई लड़ रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और यदि आप चाहते हैं कि शहीद मणिनाथ मंडल का सपना साकार हो, यदि आप चाहते हैं जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य बना है, तो 2024 में आप में राजनीतिक चेतना का उदय होना होगा, तभी इस राज्य में बदलाव हो सकता है, तभी मणिनाथ मंडल के सपनों को साकार किया जा सकता है। और नहीं तो फिर साल में 2 दिन आएंगे, एक दिन उनकी जन्मतिथि होगी, दूसरे दिन उनकी पुण्यतिथि होगी, माला चढ़ाएंगे, एक कार्यक्रम होगा, कुछ गान कुछ गीत की प्रस्तुति होगी, हम सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिर वही दशा होगी। इसलिए आज अगर झारखंडी अपनी दशा को बदलना है तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप में मत को लेकर अपनी चेतना को, अपने मत की चेतना को विकसित करना होगा, ये मैं संदेश देना आया। आज हम लोग भी जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, चाहे वो विनोद बाबू रहे, कॉमरेड ए के राय रहे, मणिनाथ मंडल रहे, रसिक खासदार रहे, शहीद सत्यनाथ महतो रहे, तो हम लोग भी चिंतन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार त्याग करते हुए, किस प्रकार अन्याय जुल्म का सामना करते हुए इस राज्य का गठन किया था, लेकिन आज उनका सपना कोसों दूर चला गया है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से मेरा संदेश होगा, मेरा विनम्र प्रार्थना होगा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी गैर भाषा भाषी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई इस बात की है कि जब कागज के टुकड़ों में राज मिला है तो धरातल में देने में क्या दिक्कत है? जब कागज के टुकड़ों में आपने दे ही दिया है तो धरातल पे मांग रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे मांग रहे हैं कि जब आप नक्शे में पर्चा काट के दे दिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक झारखंड है, हम उसी झारखंड को कागज में, इंटरनेट में नहीं, गूगल में नहीं, गांव में जाके खोज रहे हैं, क्योंकि उसी झारखंड का जो भूभाग हमको मिला है उसमें हमको धान लगाना है, हमको फसल लगानी है। उस झारखंड में जो भूभाग जमीन का टुकड़ा हमको मिला है, हम वो जमीन का टुकड़ा तलाश रहे हैं, क्यों जमीन का टुकड़ा सिर्फ गूगल में है, सिर्फ इंटरनेट में है या धरातल पर है, तो ये जमीन का टुकड़ा हम तलाश रहे हैं कि कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे खोज रहा हूँ। और आज ये खोज प्रत्येक झारखंडी को करनी होगी, नहीं तो एक दिन आप इसी मिट्टी में शरणार्थी होंगे। मेरी बात को लिख के रखिएगा।
इसलिए आज इस राज्य का निवासी होने के नाते हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान का उद्देश्य क्या था, उस बलिदान की पूर्ति के लिए आज इस कालखंड में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये आंदोलन जो आज आगाज हुआ है, भले साधारण छात्रों ने आगाज किया है लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। या आंदोलन करने वाले नौजवान साधारण है लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि इस आंदोलन का चर्चा दिल्ली में है, इस आंदोलन का चर्चा लद्दाख के सांसद के पास है, इस आंदोलन का चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास है। तभी तो वहां भी जाकर उन्होंने 740 लगाया था, झारखंड में 740 चल रहा था। मुख्यमंत्री आए, मिले, बोला क्या माजरा है, बोला यहाँ 740 है, बोला भाई भाई है तो वहां भी 740 कीजिए। इन्होंने वहां भी जाके 740 किया। आपको मालूम है ना क्यों? इस आंदोलन के कारण, इस आंदोलन पे सबकी नजर है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं, यहाँ हमेशा झारखंडियों को नीचे रखा जाता है, जो गैर झारखंडी है उनको प्रमोट किया जाता है। अमर बारी और जेपी पटेल को खोज के निकाला है, ये आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कहे नहीं, अमर बारी तो इससे पहले भी थे, जेपी पटेल भी इससे पहले थे, कहे नहीं। सवाल बनता है कि नहीं, आज ही क्यों? दिस इज द पावर ऑफ मोमेंट। ये आंदोलन की देन है मेरे साथियों। एक दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी समझ रही है कि झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में झारखंडियत की भावना हिलोर मार रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी समझ रही है, लेकिन यदि झारखंड के लोग नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। आज बहुत सारे लोग विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये लड़ाई किसी राज्य के विरोध नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है कि जब आपसे ही कटके हमने एक अलग राज का टुकड़ा लिया। उदाहरण के लिए, दो भाई में बंटवारा होता है ना, दो भाई में संपत्ति का बंटवारा होता है, आपके बीच होता है कि नहीं? रचमर्दा, आप दो भाई हैं ना, तो संपत्ति का बंटवारा होगा ना। जब पिताजी वृद्ध हो जाएंगे, माताजी वृद्ध हो जाएंगी, संपत्ति का बंटवारा होगा ना। यानी ये नियम है, ये परंपरा है, ये मनुष्य की नियति है कि संपत्ति का बंटवारा होगा। जब उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा, बड़े भाई के हिस्से में आधा, छोटे भाई के हिस्से में आधा, तो क्या बड़ा भाई का किसी प्रकार ये रोल बनता है कि छोटे भाई को जो जमीन दिया है उस पर नजर गड़ाए किसी भी प्रकार से? क्या उसकी जोरू और जमीन पे नजर गड़ाने का किसी भी प्रकार से बड़ा भाई को राइट बनता है? जब नहीं बनता है तो चाहे बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल, हम एक लाइन में कहेंगे आपसे ही हमने राज लिया है। अब हमें ब्यूरोक्रेट से लेकर, पत्रकारिता से लेकर, कार्यपालिका से लेकर, विधायिका से लेकर, ठेकेदारी में भी हमारा स्थान चाहिए। क्या गलत कहा हमने बताइए, क्या गलत इसमें कहा, मैंने भड़काऊ बात है बताइए, कौन सा भड़काऊ बात लगा मीडिया वालों बताइए। तो आज जो ये लड़का ये बात जो पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने रख रहा है, तो कौन सा बात मेरा अतार्किक है? जब 1960 में बॉम्बे नाम का स्टेट दो भागों में बट गया, गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से, वहां गुजरात के लोगों ने कभी महाराष्ट्र में दखल नहीं दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने गुजरात में दखल नहीं दिया, तो बिहार यूपी बंगाल का कोई अधिकार नहीं बनता है झारखंड के जीवन में दखल देना। आप हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, जो कहना है कहिए, हम जो सच्चाई है कहेंगे। बाकी बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम कभी बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, और हमने उन्हीं भाइयों से अपना बंटवारा लिया है। कितना लिया है? 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है, 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है। तो हम तो टुकड़ा लिए हैं अपना। अब यहाँ जो भी विधि व्यवस्था होगी, यहाँ जो भी नीति नियम होंगे, ये हमारा होगा। और आज इसके लिए आपको अपनी चेतना को मजबूत करना होगा, नहीं तो आज इसी प्रकार हमारे लोगों की शहादतें जाएंगी, इसी प्रकार हमारे लोगों के रक्त से धनबाद की धरती लाल होगी, और कोयला की कमाई से मालामाल वे लोग होंगे। आज अगर इस कोयलांचल की धरती में हत्या, अपराध जैसी भी समस्याएं आई हैं, तो याद रखिए वो झारखंडी मानुष नहीं होगा, वो गैर झारखंडी होगा, क्योंकि झारखंडी मानुष बाय धान लगाता था यहाँ।
इसका नाम धनबाद था। जानकारी है कि नहीं आपको? यहाँ रहने वाले चाहे मंडल समाज रहे, गोराय समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, तेली समाज ये भी रहे, यहाँ धान लगता था, उसका नाम था बाइड। हमारे यहाँ तीन चार प्रकार का धान होता है, भैयार धान, बाइड धान, कनारी धान, हीर के धान, यहाँ बाइड धान लगता था। यानी हम लोग खेती बाड़ी करते थे, झारखंड का कोई भी जो यहाँ रहता था धनबाद में खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे, फसल लगाते थे। हत्याओं का ये जो दौर चला है, ये कोयला की लूट के कारण, कोयला की काली कमाई के कारण। अब बताइए कोयला की काली कमाई में कै गो झारखंडी अरबपति हुआ, बताइए, गिनाइए हमको। यदि कोयला की काली कमाई में हमारा योगदान नहीं है, तो जिनका योगदान है उन्होंने इस क्षेत्र में हत्या जैसी समस्याओं को, हत्या जैसी जघन समस्याओं को लेकर आने का काम किया है। और मणिनाथ मंडल की हत्या भी, उनकी शहादत भी उसी कड़ी से हमें जोड़ना होगा। उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो शहादत हुई है, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा। इस बात को आपको नहीं भूलना होगा। आज 17 अक्टूबर 1994 में जिस समय एक अलग दौर चल रहा था झारखंड निर्माण के लिए, शहीद मणिनाथ मंडल की जो हत्या हुई, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा कि जो लोग बाग धान लगाते थे उस मिट्टी में इन्होंने कोयला की काली कमाई के कारण, उस मिट्टी में इन्होंने दबंगई के कारण, उस मिट्टी में अतिक्रमण के कारण लहूलुहान करने का काम किया है। अभी आज, आज की जनमानस, आज की झारखंड की आवाम पे निर्भर करता है कि हमें आने वाले 23 सालों के झारखंड का फैसला किस प्रकार करना है। आज हमें हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इस बात को तय करना होगा कि जब 23 साल पुनः वापस आएगा, आज जैसे 2023 हुआ है, उस 23 सालों में झारखंड का परिदृश्य क्या होगा। इसलिए आज चूंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, यहाँ सभी दलों के लोग आमंत्रित हैं, अतः हम अपने हम विशेष वही सूचना, वही संदेश लेकर आए हैं। लोग अच्छा कहें, भला कहें या बुरा कहें, हम झारखंड की सोई आवाम को जगाने आए हैं। हम लोग ना कोई मसीहा, ना ही कोई अवतारी है। आपकी तरह हम भी एक साधारण सा पुरुष है, एक साधारण सा लड़का है। बस वो कहते हैं ना, तूफानों से टकराने की जिद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके अंदर भी वही सांस है जो हम में है, बस आप उस सांस को बाहर नहीं लाए हैं। आज जब पहली बार राजकुमार मंडल दा के माध्यम से हमारा जो वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने पूछा कि तुम तो छा गए, बोले हम नहीं छाए हैं। वो चेहरा जो आप देख रहे हैं, वो हर एक झारखंडी नौजवानों की आवाज है। वो कोई एक चेहरा नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो कहते हैं ना कि सबके मन में था कि माफियाओं के खिलाफ बोलें, सबके मन में था कि अतिक्रमण के खिलाफ बोलें, सबके मन में था कि झारखंडियत पर बोलें, लेकिन बोलेगा कौन? वो था ना कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? बस हम घंटी बांधे हैं, बाकी आप भी वही हैं। आप भी उसी कदकाठी के, उसी सोच, उसी विचारधारा के लोग हैं, जिस सोच और जिस कदकाठी को हम रखते हैं। इसलिए आज अलग झारखंड राज्य का निर्माण कहीं ना कहीं आज भी अधूरा है। और आज अगर हम लोग इस अलग झारखंड राज्य के निर्माण को पूरा करने के लिए आगे प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे होश के साथ आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि आप अभी एक पिक्चर ले लें इस धनबाद का, बढ़ते हुए धनबाद का। ये धनबाद जो कभी कोर्ट मोड़, बैंक मोड़, कभी रंगाटांड, कभी बस स्टैंड तक काबिज था, आज इसका विस्तार बरवड्डा तक हो चला है, कल इसका विस्तार राजगंज तक होगा, कल इसका विस्तार गोविंदपुर तक होगा। उस समय याद कीजिएगा, आपके हिस्से की जमीनें, आपके हिस्से का रोजी रोजगार किन के पास है, उस समय आपको हम याद आएंगे। क्या हमने गलत कहा? आज धनबाद बरवड्डा तक फैला कि नहीं? बरवड्डा तक फैला। ये इस डीटी रोड के रास्ते राजगंज तक पहुंचेगा कि नहीं? इसलिए आज चूंकि 2024 में सबसे पहले सदन में सांसद का चुनाव होगा, पहला अगर झारखंड में कुछ सदन में बात होगा, तो भूमि सुधार कानूनों को मजबूत कीजिए, भूमि सुधार कानूनों को मजबूत कीजिए। ये पान खाने वाले, सदन में चुपचाप रहने वाले, अपनी कुर्सी का नंबर नहीं जानने वाले, सदन में संसदों का कोई रोल नहीं है। जो हमज के, जो गरज के, जो कड़क के, जो धड़क के बोले कि झारखंड में सबसे पहली समस्या भूमि सुधार कानून, इसको मजबूत कीजिए। क्या हमने गलत कहा?
कि हमने गलत कहा। अरे ये बात तो हम दो साल से कह रहे हैं, बिल गेट्स ने भी हमारा पास में मोहर लगा दिया है। बिल गेट्स, हम अंतिम और दो चार मिनट लेंगे, चूंकि अब आप लोगों को लगेगा देखिए ये लड़का कुछ भी बोलने लगा है। बिल गेट्स ने भी हमारी बात पर मोहर लगाया है इनडायरेक्ट रूप से। कैसे पता है? जब हम बिल गेट्स का नाम सुनते थे, वो दुनिया के सबसे धनी पर्सन थे, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे ना। क्या आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हैं? नहीं है, शायद एलन मस्क है ना, खैर जो भी है। अब एक बात बताइए, बिल गेट्स को आखिर क्या हुआ जो आज दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं है? क्या हुआ बिल गेट्स को? क्या कैंसर की बीमारी हुई थी उनको, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, जिसमें 10 अरब, 100 अरब, 1000 अरब का खर्चा हुआ? आखिर बिल गेट्स को हुआ क्या जो आज दुनिया का सबसे धनी आदमी नहीं रहा? कारण क्या है? पता है क्या कारण है? बिल गेट्स ने लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदने का काम किया है जो आधा धनबाद जिला के बराबर हो। हम भी तो वही कह रहे हैं, भूमि सुधार कानून, अपनी जमीनों की रक्षा, अपने मातृभूमि की रक्षा, इस माटी की रक्षा। माटी रहेगी तो भाषा भी रहेगा, संस्कृति भी रहेंगे और हमारे गोतिया बयाद भी रहेंगे। बिल गेट्स ने धनबाद जिला का क्षेत्रफल शायद 2000 कुछ वर्ग किलोमीटर है, उन्होंने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है। इसका मतलब दुनिया के सबसे धनी आदमी ने भी आभास कर लिया कि सब जितना भी आपके पास धन दौलत है वो अस्थाई है, अगर कुछ अस्थाई है तो सिर्फ जमीन का टुकड़ा अस्थाई है। इसलिए सदन में जो भी जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हमारे ही नौजवानों को भेजिए, जिसको भेजिएगा उससे कहिएगा धनबाद की सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन पर अटैक है, तो सबसे बड़ी प्रदूषण तो झेल के जिंदा रह जाएंगे, जमीन नहीं रहेगा ना तो रेलवे स्टेशन में रहेंगे, सुबह मंदिर में मांगेंगे, शाम को मस्जिद में मांगेंगे। यानी जिसका जमीन नहीं है ना उसका जाति धर्म भी नहीं होता है। जिसको अगर प्रमाण जानना हो रेलवे स्टेशन चले जाइए, बगल में है। प्रदूषण झेल लेंगे, बीमारी झेल लेंगे, वो भी जरूरी है, प्रदूषण भी जरूरी है, उसके खिलाफ भी लड़ना है, बीमारी के खिलाफ भी लड़ना है, शिक्षित भी होना है, लेकिन उस माटी के टुकड़े को धनबादवासी बचा लीजिए। और मैं चूंकि यहाँ यूनिवर्सिटी बना है, इस सड़क में जितने भी लोग हैं मैं निवेदन करूंगा जमीन ना बेचे, अपना अपना लॉज बनाए, स्टूडेंट का बहुत बड़ा स्कोप सामने आएगा। आज देखिए हमने क्या किया, जमीनें कभी हमारी थी, झालुड़ी तो मिलता नहीं है मंडल का, झालुड़ी गाँव मिलता नहीं है। आज वहां जितना भी बिल्डिंगें बना है सब में स्टूडेंट रहते हैं, 99% स्टूडेंट झारखंडी होते हैं यार, 100% मालिक गैर झारखंडी। आज इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और इसीलिए आज एक साधारण सा लड़का महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के विधायक का नींद उड़ा के आया है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई। 4 बजे रात को लोग अब ऑर्केस्ट्रा नहीं सुनते हैं, 4 बजे रात को लोग जागरण नहीं सुनते हैं, और फिल्म सिटी गुड़गांव में बोल रहे थे ए टाइगर 5 मिनट आना हो लेकिन आना हो, 4 बजे भोर घड़ी दे। कारण क्या था? कारण यही है कि जो लूट झारखंड के साथ हुई है, जो अन्याय, जो शोषण झारखंड के साथ हुआ है, ये दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में धनबाद में BCCL है, बताइए BCCL की समस्या कहाँ नहीं है? कांड्रा में है आपका, जाके भूली में है, बोआ में है आपका, शक्ति चौक में है आपका, पुटकी में है, केलवा में है, केलवा डी में है आपका, गोधर में है आपका, अड़लगड़िया में है कि नहीं? यही BCCL का नाम, वही महाराष्ट्र में WCL है। WCL का मतलब वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। मैंने वहां के डायरेक्टर से बात किया, क्योंकि नाम नहीं बताएंगे, सरकारी आदमी है और सरकार की नजर हम पे है, उस व्यक्ति से जो डायरेक्टर है और कोयला कंपनी का WCL का डायरेक्टर मतलब DC से ऊपर का पोस्ट होता है, उससे हमने पूछा कि सर कुछ जानकारी दीजिए WCL के बारे में। बोला कैसी जानकारी? हम बोले विस्थापन को लेकर, नियोजन को लेकर, रोजगार को लेकर। उन्होंने एक ही लाइन बोला, यार झारखंड में होता है ना, देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड के लोग जानवर हैं। हम बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला यहां कुछ दिन पहले 75 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, हम भी वहां उपस्थित है, उनको लगभग लाखों रुपया का पैकेज दिया गया है, उसके बाद उनका जमीन लिया गया है। बताइए झारखंडियों, क्या यह व्यवस्था यहां है?
क्या झारखंड में बीसीसीएल की ये व्यवस्था यहाँ है? मैं झारखंडियों से पूछना चाहूंगा, क्यों आखिर कमी कहाँ रही? न कमी एक ही जगह दिखती है, धनबाद में कोयला, कोडरमा में अभ्रक, अब तो गुमला में हीरा पन्ना, रांची खुट्टी, सरायकेला में सोना, इस राज में कमी कहाँ रही? न इस राज में कमी रही शासन और प्रशासन, इस राज में कमी कहाँ रही? न इस राज में कमी रही शासन में और प्रशासन में। शासन में जो लोग हैं उनको अपनी साली सलहज साला के अलावा कोई दिखता ही नहीं है कि और भी कोई है, उनको और कोई नहीं दिखता है, पर प्रशासन के लोग आपको देख ही रहे हैं। इसलिए आप यदि शासन को बदलते हैं और युवाओं को मौका देते हैं तो वचन देते हैं प्रशासन को नियंत्रण करने का जिम्मा हमारा रहेगा। दो दिन पहले रात को हम ब्यूरोक्रेट से बैठे थे, वो झारखंडी है, भले आपको बच्चा लगते हैं लेकिन हमारे तवज्जो ब्यूरोक्रेट और सेक्रेटरेट में दिया जाता है, क्योंकि जो साहस और जो प्रतिभा दिखलाए हैं 23 साल के झारखंड में लोगों को सोचना होगा। उन्होंने कहा हमारे बारे में जो गुडविल बेडविल था वो सारा चीज उन्होंने लगभग 4 घंटा के डिस्कशन में बताया, यानी हमारे चर्चे ब्यूरोक्रेट्स में है, इसलिए चाहेंगे सड़क में भी हमारे चर्चे हैं, मीडिया के सामने चर्चे हैं, एक बार दिल्ली में भी हमारे नाम के हमारे आंदोलन के चर्चे होने दीजिए, इसलिए आपका समर्थन चाहते हैं और उस वही मणिनाथ मंडल के सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। अंत में एक उपाय सुझाए के जाएंगे, क्योंकि आपके मन से भी ये सवाल आता है कि नया लड़का लोग तो चेंगड़ा लोग हैं, इनको मौका देंगे तो क्या उखाड़ लेगा, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, खाली सही काम करेंगे, यानी हम लोग 67 करोड़ में मंत्री का आवास नहीं बनाएंगे, बचाओ की नहीं, 67 करोड़ में हम लोग मंत्री का आवास का आवंटन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि युवा लोग क्या करेगा, क्या तीर मार लेगा, कोई तीर नहीं मारेंगे, बस तीर को सीधा रास्ता में चलाएंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो, हम लोग 67 करोड़ रुपए का मंत्री का आवास का आवंटन नहीं करेंगे। बच गया एक योजना तो पार हो सकता है, अरे आंगनबाड़ी सेविका लोग का विवाद तो समाप्त हो सकता है, स्वयं सेवक का विवाद तो समाप्त हो सकता है कि नहीं 67 करोड़, फिर क्या करेंगे 70 लाख के क्रिकेट का मैच नहीं खेलेंगे, आपको पता है कि नहीं 70 लाख का क्रिकेट का मैच हुआ था, हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग तो A+ का मैच आता है 1700 का उसमें हैट्रिक छक्का लगाते हैं, हम लोग और क्या करेंगे स्कूल का ड्रेस का रंग नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसमें भी अरबों रुपए का व्यापार है, सुनना चाहेंगे तो बताएंगे नहीं तो विदाई लेंगे। चलिए बता देते ये मेरा अंतिम, अभी सरकार आई, मैं दोनों सरकार लेता हूं, चूंकि ये सभी लोग यहाँ आमंत्रण, मैं किसी का नाम लेके नहीं लेकिन उनकी नीतियों की तो बात कर सकता हूँ, लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। इससे पहले रघुवर सरकार की गवर्नमेंट थी, जब वो गवर्नमेंट में आई उन्होंने पेंट का रंग कत्था किया, यस या नो, कत्था समझ रहे हैं, जो हम लोग अभी दुर्गा पूजा में एक दिन होता है जब ठपा ठपा घर में कत्था रंग का लगाते हैं, समझ रहे हैं क्या बोलते हैं, नेरो मेरो जो भी बोलते हैं, मेरून बोलते हैं ना, हाँ गेरू, हाँ सॉरी गेरू, हाँ बोल रहे हैं कत्था रंग हुआ। अब मैं यहाँ जितने भी लोग मंच में बैठे हैं, मंच के नीचे बैठे हैं, मीडिया कर्मी भी आए हैं, कितने लोग कत्था रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं, क्या आप लोग कत्था रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं? नहीं पहन के आए हैं, इसका मतलब है कि कत्था रंग का जो कपड़ा है वो मार्केट में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, मार्केट में अगर है तो लिमिट है, प्रचलन में नहीं है। अब वर्तमान गवर्नमेंट हरा रंग लेके आई है, कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं? नहीं आए होंगे, अपने जीवन में नहीं पहने होंगे, मेरा भी लगभग 28-29 साल हुआ आज तक हम जीवन में हरा रंग का फुल पैंट नहीं पहने। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ होगा जो सरकार के विभाग हैं, जो IAS हैं, उन्होंने किसी मिल के ऑनर से बात किया होगा कि सर नया कपड़ा बनाइए जिसमें आपका भी कुछ खर्चा मन निकल जाए, मेरा भी निकल जाए, तो उन्होंने कहा होगा कि चलिए कपड़ा में पहला घोटाला करते हैं, तो बोला कैसे कीजिएगा ना कपड़ा, तो कैसे ना, क्या सादा रंग का कपड़ा बदले, बोला अरे सादा तो मंडल जी का, महतो जी का, अंसारी का दुकान में भी मिलता है, ये नहीं चल रहा, बोला सर ब्लू रंग का कपड़ा चलेगा, बोला ये तो सिंह जी और तिवारी जी का दुकान में मिलता है, यह नहीं चल रहा, बोला सर ये वो आता है ब्राउन कलर का, बोला रही तो संथाल जी का दुकान में मिलता है, ये कपड़ा नहीं चलेगा, एक ऐसा कपड़ा लाओ जो मार्केट में नहीं होता है, बोला कौन सा, बोला सर अभी हरा नहीं चलता। अब मान के चलिए 80 लाख हम हाल फिलहाल पढ़ रहे थे, 79 लाख स्टूडेंट झारखंड में है, हम 80 ले आते हैं, चूंकि गुनाह करेंगे यही करेंगे, पढ़ा लिखा छात्र है,
घर से कॉपी करके नहीं आए, नहीं गुनाह करेंगे। 80 लाख हमारे यहाँ स्टूडेंट है, अब मान के चले एक स्टूडेंट 1000 रुपया खर्चा किया तो 80 लाख में 1000 में 3 जीरो होता है, 80 लाख में अगर 2 जीरो देंगे तो सीधे 80 करोड़ और 1 जीरो डालेंगे तो 8 अरब। गवर्नमेंट 5 साल तक जाएगी, कितना हो गया 8 अरब गुना 5, यानी 8 5 40, यानी 40 अरब रुपया। क्या आपको सिर्फ मजाक लगा ना? आप देखिए 2024 में अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है और उसको भी कपड़ा में पैसा कमाना है तो वो कैसे कमाएगी? वो स्कूल का ड्रेस पीला कर देगी, वह स्कूल का ड्रेस पीला कर देगी। मेरे साथियों, बात समझ में आई? एक पढ़ा लिखा लड़का है इसीलिए समझाने में समर्थ हो पाए हैं। ये मामूली बात है, आपको मजाक लग रहा है अभी भी, लेकिन ये मजाक नहीं है। किस प्रकार से पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है वो हमारे ISIPS को पूछिए और हमारे अंगूठा छाप मंत्रियों को पूछिए। जिसको भी 2024 में पैसा कमाना है, ड्रेस का रंग क्या करेगा? पीला करेगा। ड्रेस का रंग पीला करेगा, कंपनी के पास है, उसके पास धागा सूता सब है, वो 6 महीना में पीला कपड़ा 80 लाख स्टूडेंट के लिए पटक के दे देगी। 2029 में कमाना है तो गुलाबी करेगी, गुलाबी करेगी। आपको क्या लगा सिर्फ कपड़ा का रंग बदला है? जी नहीं, अरबों रुपए का कारोबार हुआ है मेरे साथियों। इसीलिए पढ़े लिखे नौजवानों को मौका दोगे तो चबूतरा बनेगा 1 लाख का और आवास 2 लाख का, अभी उल्टा होता है। चबूतरा का क्या रेट? नहीं नहीं, सब का, बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, कोई रहे, सबने। अभी विधायक का वेतन बढ़ा, कोई मांदर बजाया? सदन में लोग मांदर बजाता है, जब विधायक का वेतन बढ़ा सब चुपचाप, सुने कि नहीं? विधायक का वेतन बढ़ा सब चुपचाप। जेपीएससी रिजेक्ट हो रहा है, जीएसएससी रिजेक्ट हो रहा है, सीजीएल दम तोड़ रहा है, कोई चर्चा नहीं। चार चार बार ये चबूतरा कितना का आता है? लास्ट मेरा आपसे सवाल याद कीजिए ना, दिमाग में याद कीजिए आप, 2 लाख 2.5 लाख, बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास गांव में कितना का बनता है? 1,20,000 से 1,50,000 बराबर। चूंकि धनबाद में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, भले बिल्डिंग सब यूपी बिहार एमपी का मालिक है, लेकिन मजदूर लोग झारखंड का है, राजमिस्त्री लोग झारखंड का है। आप बताइए, अब मेरा सवाल स्टूडेंट से नहीं है, अब मेरा सवाल है राजमिस्त्री लोग जो ईटा जोड़ने का काम करते हैं, चबूतरा बनाने में पैसा ज्यादा खर्चा होगा या पीएम आवास बनाने में पैसा खर्चा होगा? पीएम आवास, क्योंकि वो 10 फीट तक जाएगा, नीचे भी 5 फीट जाएगा, जाएगा ना। बाकी आप चालाक है, ज्यादा क्या बोलेंगे, जान जोखिम में डाल के इतना रिस्क लेके आज पूरे झारखंड में जितना भी नेता उन लोगों को धोती खोलने में लगे हैं। बदलाव आप कीजिए, आपके हाथ में है, ठीक है। पुनः शहीद मणिनाथ मंडल को नमन करते हुए उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस महामानव की विचारधारा को अपने हृदय में धारण करते हुए उस महामानव को हृदय से स्मरण करते हुए नतमस्तक होते हुए मैं उसे आभार प्रकट करता हूँ, जोहार करता हूँ कि आपके बलिदान ने भले आपके शरीर को यहाँ से नष्ट किया है, आपकी विचारधारा आज भी हमारे हृदय में गतिमान है, आज भी हमारे हृदय में हिलोरे ले रहा है। धन्यवाद उस जुग पुरुष को, अपनी विचारधारा के साथ जुग जुग जिए। मैं एक नन्हा सा बालक मणिनाथ मंडल को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मणिनाथ मंडल अमर रहे, जय झारखंड, जय हिंद, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। हेलो, जोहार झारखंड। आज हमारे पास कफन का योजना तो है पर ऑक्सीजन का कोई योजना नहीं है। आज